आठ सूत्रीय मांगों को लेकर दुर्ग निगम के कामगार कर्मचारियों की आज से हड़ताल हुई खत्म। महापौर आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन से हटे कर्मचारी। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले शहर के सफाई कामगार, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य लगभग 600 कामगार सफाई कर्मचारियों ने अपनी आठ सूत्री मांग को लेकर 2 दिनों से हड़ताल पर बैठ पूरी तरह से अपना कामकाज बंद कर प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी कड़ी में शनिवार को भी बड़ी संख्या में कामगार कर्मचारी अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग नगर निगम कार्यालय के बाहर मेन गेट के सामने पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर और स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली से चर्चा करने के बाद मिले आश्वासन के बाद सभी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म किया और शासन से जल्द स्थानीय मुद्दों के अलावा की गई मांगों को पूरा कराने की बातें कही। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी मुख्य आठ सूत्री मांग थी, जिसमें प्रथम मांग था जॉब की गारंटी। उसमें अधिकारियों ने बताया किसी भी कर्मचारी को द्वेष पूर्ण या जो भी शिकायत होगी उनको बिना स्क्रीनिंग कमेटी के नहीं हटाया जाएगा, और जो पहले भी कर्मचारी बंद है उनके लिए आगामी MIC बैठक में 260 की स्वीकृति कर उनकी भर्ती की जाएगी। 1/10 5160 वाला मामला था, उसको MIC में पारित कर उनको पुनः प्लेसमेंट किया जाएगा। मिशन क्लीन सिटी कर्मचारी जो 8 घंटे ड्यूटी करते थे उनको समय को संशोधन किया गया है और उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग के लिए पत्र प्रेषित किया है। और हमारे जो वाहन चालक हैं उनके ऊपर हमेशा हिटलर शाही रवैया चलता था, उसको खत्म किया गया है। कर्मचारी के ऊपर कोई बिना कारण उनको बंद नहीं किया जाएगा। और रेलवे वाले जो कर्मचारी हैं उनको 1/3 से PFPSIC का लाभ मिलना चालू हो गया है। नल घर वालों की समस्या थी कि उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, उनके लिए भी पत्र आयुक्त महोदय द्वारा जारी किया गया है और जल्द ही उसका निराकरण होगा। और कोरोना काल में जो 15% देने की बात कही थी वो आयुक्त महोदय ने खुद बताया कि 3 किस्त में देंगे, उन्होंने कल तक की बात रखी थी हमारे भी, तो हमारे कर्मचारियों ने सहमति जताई कि हमको एक बार में रिफंड चाहिए, तो आज वो सहमति दे दी है कि जस्ट त्यौहार के बाद वो एक पेमेंट के नाम हिसाब से वो पेमेंट भुगतान किए। आठ सूत्री मांग था वही जॉब की, सबसे प्रथम मुद्दा था जॉब देने उसी के लिए बैठे। एक तो जो 1/10 5160 के जो कर्मचारियों का परिवर्तन हुआ था काम से उसके लिए मांग के लिए बैठे हुए थे। ऊपर से जो 1 दिन की वजह में 2 दिन की छुट्टी कटती थी, दूसरा मांग था हमारा नल घर वाले लोग की जो समस्या थी उसके विषय में था, कंप्यूटर ऑपरेटरों के विषय में था, वाहन चालकों को समस्या का था बढ़ोतरी के लिए था, जो अतिरिक्त काम करती है और अन्य काम में वार्ड में उनको शिफ्ट किया जाता है वो उसके विषय में भी, और जो मिशन क्लीन सिटी अपने अपने कार्य के मानदेय का था उनकी बढ़ोतरी के लिए। हम जैसे कि अभी आके यहाँ पर महापौर जी कमिश्नर जी ने समय सीमा दिया है कि 9 महीने का, उस पर हम लोग निश्चित रूप से एक नहीं, क्योंकि समय सीमा बहुत लंबा हो जाता है। समय सीमाओं को कम करके कम से कम 1 महीने के भीतर में हमें जॉब। मैं रवि मिश्रा, वाहन चालक। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।